अस्ताचल के सूर्य को अर्घ देकर सब लोग अपने घर वापस लौट रहे थे। हर तरफ छठ की छटा बिखरी थी। छठ की व्रती महिलाओं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिली थी। हर कोई किसी भी अनहोनी से पूरी तरह अनजान था। किसी को इल्म तक नहीं था कि अगले ही पल यहाँ कोई हादसा पेश आने वाला है। धीरे धीरे घाट से लौटती गलियों में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। सड़कों पर दबाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। पूरे मेला क्षेत्र में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। दहशत में आए लोग इधर उधर भागने लगे। किसी ने किसी की परवाह नहीं की। इस दौरान 6 और 1.5 साल के 2 बच्चे भीड़ की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। अब उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बच्चा जता गया, नहीं इधर जाने को मिला नहीं उधर, बीच में हम लोग मर गए। मेरा एक और बच्चा है, वो कहाँ है? काजे ने कहा है, हमको नहीं मिला। पोखर से जैसे ही निकले ना, तो तीन मुहानी से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत भगदड़ हुआ। उसकी माँ थी, पूरी फैमिली थे जो भी थे, और जैसे ही वहाँ पे गए तो पूरा टेल्ला टेली धक्का धुक्की होना चालू हो गया। तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद की है, जहां मशहूर सूर्यनगरी देव मंदिर पर हर साल की तरह इस बार भी छठ पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी। घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और हालात पर तत्काल काबू पाने की कोशिश की। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस को हालात संभालने में कामयाबी भी मिल गई। डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों परिजनों को ढाढ़स बंधाई और मुआवजे देने की बात कही। दो बच्ची के डेड बॉडी यहाँ आई है, जो दोनों बाहर के जिलों की बच्चियाँ हैं, उनके पेरेंट्स को हम लोग बुलाए हैं। कारण की जहाँ तक बात है तो हम लोग अभी पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही हैं, यहाँ हम लोग देख लेंगे कि थोड़ा चोट लगना या सफोकेशन या गिरना भीड़ में, उससे कुछ हुआ है क्या। तो वो तो अभी हम लोग सुबह का भी अर्घ है, तो उसकी तैयारी पूरी करके बड़े श्रद्धालुओं को सुरक्षित यहाँ से जब चले जाएंगे तो लोग आगे फिर इसका जाँच। और फिलहाल घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अपने इंतजाम और दुरुस्त करने में जुट गया है, ताकि छठ के आखिरी दिन ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अभिनेश सिंह, औरंगाबाद, आज तक।